फ्रेंड, तो चलिए अपनी सेवेंथ ट्रिक कर लेते हैं, जो है सिंप्लीफिकेशन की। मैंने अब तक सिक्स ट्रिक्स आपको बता दी हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। 999 1/7 + 999, 2/7 + 999, 3/7 + 999, 4/7 + 999, 5/7 + 999, 6/7। तो आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, दो स्टेप इंक्लूड कर रखे हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करती हूँ इन क्वेश्चंस को, ताकि आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाए। पर ये लेकिन आपको ये चीजें जब आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। जब मैं आपको समझाती हूँ तो टाइम लग जाता है। काफी बार कोई कोई वीडियो मैंने 2-2 मिनट की भी बनाई है, पर टाइम वो इसलिए लगता है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए फर्स्ट स्टेप क्या है। जितनी बार 999 है उस संख्या से डायरेक्ट गुना करनी है। तो 99 कितनी बार आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम्स आ रहा है। तो हमने देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, 999 × 6, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, इज इक्वल्स टू क्या है, 5994 आया है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, फ्रैक्शन। ये जो हमारी बटे में जो संख्याएं हैं उनको हमें अलग से जोड़ लो, ठीक है ना। उनको हमें अलग से क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या है, 1/7 + 2/7 + 3 / 4/7 / 4/7 / 5/7 / 6/7, ठीक है। सबको जोड़ा तो हमारा 21/7 आया, तो उसको कट किया तो 3 आया। फिर लास्ट में हमें ये करना है कि ऐड दे रखा है तो ऐड करना है, मल्टीप्लाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई वैसे इस क्वेश्चन में नहीं आया, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर आएगा तो वो आपसे ऐसी ही संख्याएं देंगे कि ताकि कट जाए, ठीक है ना, एक दूसरे से वो कट हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या है, तो हमारा जो टोटल आया है दोनों को ऐड करके वो आया 5997 है, जो कि हमारा आंसर है। प्लीज गाइस, मैं आपके लिए इजी ट्रिक्स ला रही हूँ, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।